नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव शिरसाट और आप देख रहे हैं जीनियस साइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 10th साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 2 की एक्टिविटी शीट, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। दोस्तों, ये एक्टिविटी शीट 40 मार्कों के लिए है, 40 मार्क्स के लिए है और ये एक्टिविटी शीट हमें 2 घंटे में पूरी करनी पड़ती है। बोर्ड ने हमें 2 आवर्स टाइम दिए वाला रहता है, तो उसमें वो 2 आवर्स का टोटल प्लानिंग करके ये 4 क्वेश्चन वाली एक्टिविटी शीट हमें पूरी करनी पड़ती है। तो ये 2 आवर्स का 2 घंटे का जो टाइम मैनेजमेंट है वो हमें बहुत ज़बरदस्त और प्लानिंग के साथ करना पड़ता है, नहीं तो लास्ट में मेरा ये क्वेश्चन रह गया, वो क्वेश्चन रह गया, ऐसे हम कह के नाराज होके हम एग्जाम हॉल के बाहर आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं होने के वास्ते हम 2 आवर्स का परफेक्टली प्लानिंग करना पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे, जीनियस साइंस चैनल पे, अगर आप नए नए हैं तो फर्स्टली शुरू में जल्दी से जल्दी आप ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए। चैनल ये वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब लाल बटन है, लाल बटन पे प्रेस कीजिए। उसके बाद आपको एक छोटी सी बेल आइकॉन आ जाएगी, वो बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। उसके बाद बेल आइकॉन प्रेस करने के बाद अगर जब मैं आगे का वीडियो में अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से है, ये वीडियो आप जो देख रहे हैं आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से है, वो आपके डिस्ट्रिक्ट का जो नाम है वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आपको वीडियो कैसा लगा ये भी आप उस कमेंट में लिख सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो मैं आपके लिए कर रहा हूँ, सिर्फ आपके लिए कर रहा हूँ, तो कम से कम आप इसका एक लाइक तो कीजिए। मेरा एक हक बनता है कि आपकी ओर से एक लाइक और एक कमेंट का मैं बहुत बहुत इंतज़ार करता हूं। तो दोस्तों, चलो हम देखते हैं इंस्ट्रक्शंस। तो ये इंस्ट्रक्शन क्या क्या है, तो ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी कहा है इसमें। दोस्तों, ऑल क्वेश्चंस हमें प्रिपरेशन करने पड़ेंगे, ऑल क्वेश्चंस के बारे में हमें देखना पड़ेगा। जो ये क्वेश्चन शीट में, ये एक्टिविटी में हमें 4 क्वेश्चंस दिए हैं, 4 क्वेश्चंस दिए हैं, देखो 4 क्वेश्चंस यहाँ ऐसे दिए हैं, तो ये 4 क्वेश्चंस का हमें यहाँ प्रिपरेशन करना पड़ेगा। 4 क्वेश्चंस, तो ये क्वेश्चन नंबर 4, ये लास्ट का क्वेश्चन है, तो ऐसे ये गलती से 4 आ गया वाला यहाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4, तो ऐसे 4 क्वेश्चंस दिए हैं, तो उसमें से 4 क्वेश्चन में से हमें यहाँ ये जो 4th क्वेश्चन है उसमें से हमें एनी 1 क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। तो ये ऊपर वाला, ये ऊपर वाला, नहीं तो ये नीचे का, दोनों में से कौन सा भी एक हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं इंस्ट्रक्शंस के बारे में। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी हियर, ओके। सेकंड नंबर, स्केच वेल लेबल्ड करेक्ट डायग्राम वेयर एवर नेसेसरी। तो दोस्तों, जहां जहां फिगर की जरूरत है, जहां जहां डायग्राम निकालनी है, वहां वहां हम डायग्राम कंपलसरी निकालनी पड़ेगी, नेसेसरी है। और डायग्राम निकालने के लिए, डायग्राम ड्रॉ करने के लिए यू मस्ट यूज एचबी पेंसिल का इस्तेमाल करो। उसके बाद सॉल्व ईच मेन क्वेश्चंस ऑन सेपरेट पेज, मींस यू मस्ट टू स्टार्ट द न्यू क्वेश्चन ऑन न्यू पेज। इसका मतलब यह है कि आपको नया क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए नया पेज इस्तेमाल कीजिए। ये एक शिस्त रहती है, यानी कि चेक करने के लिए जो एग्जामिनर है, जो चेक कर पेपर चेक करने वाला जो टीचर है, वो टीचर को मार्क्स स्कीम के लिए बहुत इजी जाता है। अगर आप आधा समझो, एक क्वेश्चन नंबर 2 है और कहीं हमने क्वेश्चन नंबर 2 अगर हमने आधे पेज पे खत्म किया है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हम वहां से मत शुरू करिए, आप इसके लिए नया पेज इस्तेमाल कीजिए। तो दोस्तों, सॉल्व ईच मेन क्वेश्चंस ऑन सेपरेट पेज। उसके बाद मेन क्वेश्चंस यहां कहा है, मेन क्वेश्चन बोले तो हमें यहां 4 मेन क्वेश्चंस दिए हैं, सब क्वेश्चंस नहीं है, तो 4 मेन क्वेश्चंस है, उसके बारे में सोचना है, वो नए पेज पे स्टार्ट करना है। उसके बाद 4 नंबर है, फिगर्स टू द राइट इंडिकेट
मार्क्स या राइट साइड में जो फिगर दिए, जो आंकड़े दिए हैं, ये हमें इस क्वेश्चन के मार्क्स दिखाता है। उसके बाद फिफ्थ नंबर है, ओनली फर्स्ट अटेम्प्ट विल बी इवेल्युएटेड फॉर ईच मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्वेश्चन फर्स्ट बी। देखो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बी है। अगर आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बी में ऐसे फाइव क्वेश्चंस है, देखो ये फाइव क्वेश्चंस है, और ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए ये जो फोर अल्टरनेटिव्स दिए हैं हमें, ये फोर अल्टरनेटिव्स है, तो ये फोर अल्टरनेटिव्स में से जो कौन सा भी जो करेक्ट आंसर है, द करेक्ट आंसर मस्ट बी सेलेक्ट हियर। तो समझो आपको क्वेश्चन सेलेक्ट करने के बाद समझो व्हाट शुड बी डन इफ द गैस सिलेंडर एट योर होम कैचेस फायर, यानी कि आपके घर में एक गैस सिलेंडर ने अगर आग पकड़ी है, वो जल रहा है, वो आग पकड़ी है, तो आप क्या करेंगे, ऐसा यहां पूछा है। तो इसमें फोर अल्टरनेटिव्स है, वाटर शुड बी स्प्रिंकल, सैंड सॉइल शुड बी पुट एट इट, सिलेंडर शुड बी कवर्ड विद वेट ब्लैंकेट, एंड डी अल्टरनेटिव है यहां, वन शुड रन अवे, यानी कि उसके ऊपर पानी मारना चाहिए, उसके ऊपर सैंड बोले तो रेती बालू, सॉइल यानी कि मिट्टी, ये उसके ऊपर डालनी चाहिए। सिलेंडर शुड बी कवर्ड विद वेट ब्लैंकेट, यानी कि गीली सिलेंडर उसके ऊपर ढकनी चाहिए, और वन शुड रन अवे, यानी कि इसका मतलब है कि सिलेंडर से दूर भागना चाहिए। तो दोस्तों समझो, हमें लगता है कि वाटर से आग बुझती है, इसलिए हम क्या करते हैं कि वाटर शुड बी स्प्रिंकल, उसके ऊपर पानी डालना चाहिए, ऐसा सोचते हैं और ये अल्टरनेटिव हम लिखते हैं। तो दोस्तों ये अल्टरनेटिव करेक्ट नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि ये अल्टरनेटिव हम लिख देते हैं, और उसके बाद जब हम आगे आते हैं अल्टरनेटिव देख के, जब पढ़ के आगे आते हैं, तो हमें ये अल्टरनेटिव करेक्ट लगता है, यानी कि सिलेंडर शुड बी कवर्ड विद ओल ब्लैंकेट। तो शुरू में हमने तो ये तो लिख दिया है, और बाद में ये लिखना चाहते हैं आप, तो दोस्तों बाद में अगर ये आप लिखेंगे तो आपके मार्क्स चले जाएंगे। अगर ऐसे भी तो वैसे भी तो चले गए, क्योंकि ये अल्टरनेटिव रॉन्ग है, ये अल्टरनेटिव करेक्ट है, आपने ये लिख दिया, तो ये लिखने के वास्ते आपका तो मार्क्स तो गया है आपके, फिर भी अगर आपने ये करेक्ट करके अगर आप इसे लिखते हैं तो मार्क्स चले जाते हैं दोस्तों, क्योंकि फर्स्ट प्रिफरेंस है, यानी कि यहां दिखा है, देखो ओनली फर्स्ट अटेम्प्ट विल बी इवेल्युएटेड फॉर ईच मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट अटेम्प्ट, जो फर्स्ट अटेम्प्ट आप करते हैं वो ही कंसिडर किया जाता है। ऐसे क्वेश्चन आपको पांच क्वेश्चन दिए क्वेश्चन नंबर बी में। उसके बाद हम देखते हैं, आंसर टू ईच मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन शुड बी रिटर्न विद करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन मतलब देखो, यहां क्या दिखा, आंसर टू ईच मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन शुड बी रिटर्न विद करेक्ट ऑप्शन। देखो हमें ये क्वेश्चन अगर लिख दिया हमने, इसमें क्या दिखा, बाद में समझो हमने सिलेंडर शुड बी कवर्ड विद वेट ब्लैंकेट ऐसा हमने लिख दिया, समझो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बी, उसके बाद फर्स्ट, और हमने आंसर लिख दिया सिलेंडर शुड बी कवर्ड विद वेट ब्लैंकेट, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। यू मस्ट टू राइट विद ऑप्शन नंबर हियर ऑल्सो सी, सिलेंडर शुड बी कवर्ड विद वेट ब्लैंकेट, क्योंकि जो चेक करने वाला जो टीचर रहता है, वो टीचर को कभी कभी लगता है कि ये अल्टरनेटिव कहाँ है, उसके दिमाग में गया हुआ लगता है कि एक के लिए सी, दो के लिए ऐसा कुछ तो आगे आगे आगे, उसके दिमाग में ऐसा ऑप्शंस बैठे हुए रहते हैं। अगर आप ये लिख देते हैं तो गलती हो सकती है, वो चेक करने वाले टीचर्स की ओर से ये गलती हो सकती है। अगर आप सी लिख देते हैं तो गलती नहीं होगी, यानी कि ये टोटल आपको ऐसा आंसर लिखना पड़ेगा। ये ऐसे देखो, यहां हमने ये लिख दिया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बी के लिए, देखो ये ऐसा, सी सिलेंडर शुड बी कवर्ड विद वेट ब्लैंकेट, ये बाल भारती की आंसर शीट है दोस्तों। इसके बाद, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज माइक्रोबायल एग्जाम्स आर नॉट बी यूज्ड, नॉट बी यूज्ड, ये क्वेश्चन केयरफुली रीड करो। हम ऐसा लेते, इन विच
ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज माइक्रोबाइल एंजाइम्स आर यूज्ड, ऐसे पढ़ते हैं और ये हमारी ओर से गलती हो जाती है, तो कौन सा इस्तेमाल नहीं किया जाता इसमें से, तो ये चीज चैनिंग इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, इसमें तो इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन हमें ये तीनों में से कहीं तो भी एक करेक्ट लगता है और तीनों में से एक का आंसर हम लिख देते हैं ये नॉट नहीं रीड करने की वजह से। तो इसमें है ग्लास इंडस्ट्री। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन यूनिसेक्सुअल फ्लावर, नॉट बोल रहा है यहां, नॉट बोला है, इसमें से यूनिसेक्सुअल फ्लावर कौन सा नहीं है बोले, तो कोकोनट यूनिसेक्सुअल है, पपाया यूनिसेक्सुअल है, मेज यूनिसेक्सुअल है। तो दोस्तों गुलमोहर, जो गुलमोहर बोलते हैं हम, गुलमोहर ये कैसा है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर नहीं है, ये बायसेक्सुअल है, इसमें एंड्रोसियम एंड गायनोसियम दोनों भी रहता है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन सोलार कुकर टू हार्वेस्ट द सोलार एनर्जी। सोलार कुकर में किसका इस्तेमाल किया जाता है एनर्जी कलेक्ट करने के लिए, ऐसा बोला है, तो सोलर पैनल्स, सिलिकॉन सेल्स, मिरर्स और ग्लास लीड। दोस्तों सोलर पैनल सोलर एनर्जी में, सोलर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करने में लगती है, सिलिकॉन सेल, सिलिकॉन सेल भी सोलर सेल में इस्तेमाल किया जाता है, ग्लास लीड भी किया जाता है वो दूसरी तरफ, लेकिन मिरर्स यहां इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद दोस्तों सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ ए फिफ्थ क्वेश्चन, इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ क्लास होमोसेफियंस। दोस्तों नियंडरथेल ए एग्जाम्पल है इसका, तो ऐसा आप लोगों आपको इसके एग्जाम्पल देने पड़ेंगे। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्या बोला इसमें, अटेम्प्ट द फॉलोइंग एनी फाइव टू मास ईच। तो यहां राइट साइड में क्वेश्चंस के मार्क्स दिए रहते हैं यहां या साइड में, इस साइड में, तो इसका 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। देखो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 2 10 मार्क्स का है और ईच कैरीज द 2 मार्क्स ऐसा लिखा है, तो इसमें हमें 5 सॉल्व करने पड़ते हैं, इसमें विद ऑप्शन 7 क्वेश्चंस दिए, देखो 7 क्वेश्चंस है, 7 में से आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, इसमें हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स है। तो यहां दिया है सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन इज एन इफेक्टिव वे ऑफ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, जस्टिफाई द स्टेटमेंट बोले, तो यहां स्टेटमेंट जस्टिफाई करने के लिए कहा है आपको, ये देखो सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन इन एन इफेक्टिव वे ऑफ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट जस्टिफाई द स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट आपको जस्टिफाई करना है यहां एनवायरमेंटल मैनेजमेंट का। तो यहां कैसे लिखा, ऑल बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स अराउंड अस कंस्टिट्यूट द एनवायरमेंट, यानी कि ओवरऑल एनवायरमेंट है बायोटिक एंड अबायोटिक की ओर से बना है, जैविक और अजैविक से बना है, प्रॉपर यूज एंड कंजर्वेशन ऑफ ऑल दोज फैक्टर्स इज नथिंग बट द एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, हार्मफुल चेंजेस इन क्वालिटी ऑफ दोज फैक्टर्स ड्यू टू नेचुरल और human activities is called pollution, hence if we overcome the pollution it is ultimately effective way of environmental management, aisa ye questions ka answer hota hai. Uske baad second question diya hai, characters of a phylum are given below, read those carefully and answer the questions, ye points diye hai ek phylum ke points diye hai dosto, aur isme se ye points रीड करने के बाद उसके बारे में थोड़ा सा सोचो और सोचने के बाद जो आगे क्वेश्चंस दिए हैं वो क्वेश्चंस का आप आंसर करेंगे। तो यहां क्या है, स्पाइन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आर प्रेजेंट ऑन बॉडी, दीज एलिमेंट्स आर एक्सक्लूसिवली मराइन, दे परफॉर्म द लोकेशन विद द हेल्प ऑफ ट्यूब फीट, देयर स्केलेटन इज मेड अप ऑफ calcareous plate or spicules, animals of each phylum show the above characters, give and यानी कि इसमें इसमें ये
चार दिए हैं और इसमें से ये क्वेश्चंस का आंसर देना है आपको। तो एनिमल्स ऑफ विच फाइलम शो द अबव कैरेक्टर्स, वो फाइलम का नाम क्या है, एनिमल का नाम क्या है, गिव एन एग्जांपल फ्रॉम दैट फाइलम, तो वो ऊपर के जो फाइलम के जो है उसमें से एक एग्जांपल दे दो। दीज एनिमल्स कैन बी क्लासिफाइड विद द हेल्प ऑफ विच क्राइटेरिया ऑफ न्यू सिस्टम्स एनिमल क्लासिफिकेशन। तो इसमें आंसर आपको ऐसे आंसर्स लिखने पड़े, स्पाइन्स वगैरह वगैरह। इसका आंसर है अबव मेंशन कैरेक्टर्स आर फाइलम इकानोडर्माटा। देन उसके बाद सी स्टार इज एन एग्जांपल ऑफ दीज फाइलम, तारामासा बोलते हैं मराठी में, स्टार फिश बोलते हैं, ओके। उसके बाद सी स्टार। उसके बाद इन न्यू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दीज एनिमल्स क्लासिफाइड विद द हेल्प ऑफ क्राइटेरिया लाइक बॉडी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी सिमेट्री, बॉडी कैविटी, इन चीजों का यहाँ थिंकिंग किया जाता है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, इसमें से क्वेश्चन नंबर टू से थर्ड है, विच थेरेपी इज शोन इन द पिक्चर, ये दिया है यहाँ देखो। उसके बाद विच विल बी पॉसिबल बेनिफिट ऑफ दिस थेरेपी इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ये थर्ड है। ये क्या है, ये मराठी में दिए वाला है, गलती से ए मराठी का बाकी है तो इसमें अंग्रेजी में देना चाहिए था। तो पिक्चर्स शोज द रीजनरेटिव थेरेपी यूजिंग द स्टेम सेल्स इट, तो फिर इसके बाद इट इज पॉसिबल टू डेवलप द ऑर्गन्स लाइक लीवर, किडनी फ्रॉम स्टेम सेल्स टू रिप्लेस द फेल्ड ओन्स। तो ऐसा एक फिगर दिए हुआ, बाजू में फिगर रहेगी, वो फिगर को रीड करके, फिगर के ऊपर थोड़ा सा कंसंट्रेशन कर रीड करो और जो बाजू में दिए वाले क्वेश्चंस रहते हैं वो क्वेश्चंस का आप आंसर दीजिए। ऐसे इसमें टोटल 7 क्वेश्चंस दिए हैं, 7 में से आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। दोस्तों आगे चलते हैं अभी हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड 15 मार्क्स के लिए है, यानी कि ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स। इसमें भी आपको 7 क्वेश्चंस दिए हैं, ऐसे आपको 7 क्वेश्चंस है, उसमें से 5 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। और ये अटेम्प्ट करने के लिए जो आंसर है, ये आंसर आपको ऐसे आंसर्स आपको देने पड़ेंगे, डिस्क्रिप्टिव आंसर्स है। देखो दोस्तों इसमें अ कपल, देखो यहां क्या है, व्हाट डू वी कॉल द डीजेनरेटेड और partially developed useless organ in living organisms, only such organs in human body, how the same organ are useful in other animals, a couple shall be have a male child or degenerated or partially developed useless organ are called vestigial organs, okay, wisdom tooth, appendix, body hairs, coccyx, और आर सम वेस्टिजियल ऑर्गन्स इन ह्यूमन बॉडी। उसके बाद सब कॉकेक्स सपोर्ट्स द टेल इन अदर एनिमल्स, बॉडी हेयर प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द कोल्ड। ऐसे ये पॉइंट्स है आपको इसके ऊपर, ये 7 क्वेश्चंस है, ऐसे आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। अगर टोटल 7 क्वेश्चंस मैं यहाँ आपको नहीं दे पाऊंगा क्योंकि वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी, एक बोर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, अटेम्प्ट द फॉलोइंग क्वेश्चंस एनी वन, यानी कि 5 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन है, ये दोनों में से आप ये क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस हम रीड्रॉ द फ्लो चार्ट विद करेक्शन, एक्सप्लेन इन ब्रीफ विद द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एनर्जी थ्रू ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। तो ये पायरुविक एसिड दिया है, ये यहाँ क्या रहेगा, उसके बाद एसिटिल को एंजाइम ये नंबर का दिया है, ये क्या रहेगा, ऐसे आपको ये पूरी फिल करनी पड़ेगी। दोस्तों अगर आप नए हैं तो जल्दी से जल्दी ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ये वीडियो खाली आपके लिए प्रिपेयर करता हूँ, आपके लिए तैयार करता हूँ। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकॉन प्रेस करेंगे तो आगे का जो मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाएगा। दोस्तों ये मैं चीज़ आपके लिए बना रहा हूँ, तो एक
कम से इतना टाइम मैं आपके लिए दे रहा हूं, तो कम से कम एक लाइक तो बनता है मेरे लिए। दोस्तों वीडियो लाइक कीजिए, और आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से, कौन से स्टेट से ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपका स्टेट और आपका डिस्ट्रिक्ट कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और साथ में आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी उसमें नोट कीजिए। तो दोस्तों ये फोर्थ का आंसर ये ऐसा है, तो ग्लाइकोलाइसिस, कार्बोहाइड्रेट्स ग्लाइकोलाइसिस, पाइरूविक एसिड, एसिटिल को एंजाइम, क्रेब साइकिल, ऐसे ये आपको आंसर्स देने पड़ेंगे दोस्तों। तो ऐसा रहा ये आपका एक्टिविटी बुक और एक्टिविटी शीट पेपर नंबर सेकंड के लिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेकंड के लिए। तो दोस्तों ये वीडियो तो आपको अच्छा ही लगा होगा, तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, और मेरे साथ बने रहिए। तब तक ठहरते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।